Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. Pundalik. कूप कभी प्यासे के पास नहीं जाता, भगवान भी उसी की सहायता कर सकते हैं जो ये समझे कि उसे सहायता की आवश्यकता है और वो उस सहायता को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहे। मुझे लगा जैसे पुंडलिक था वहां। मैं उसकी माँ हूं, यदि वो यहां होता तो मुझे उसका आभास अवश्य होता। आप विश्राम कीजिए स्वामी। उचित कहा ताई जी ने, पुंडलिक भाऊ का आभास उन्हें होता, किंतु जो यहां थे वो भाऊ नहीं कोई और ही थे। पिता के लिए उसका आदर भी मिट गया, जिनकी प्रत्येक आज्ञा मानता था वो उन्हें देखने पर रोका तक नहीं। पर उसका हृदय इतना कलुषित कैसे हो सकता था? उसका स्वभाव जो था, वो जो करता था उसमें जैसे डूब ही जाता था, और दुर्भाग्यवश इस बार वो काम और मोह जैसे विकारों में लीन हुआ था। उनसे पूर्ण रूप से पथ भ्रष्ट होकर वो अंधकार के दलदल में धंसा जा रहा था। रुको, देखा वो आ गया। लो प्रहरियों, आनंद लो, धन लाया हूं। देखती हूं क्या लाया है। श्रीमान, स्वागत है आपका, पान लीजिए। अब मिलेंगे चंद्र के दर्शन। ये तो आप चंद्रकला के लिए लेके आए होंगे। ये लीजिए, अपने हाथों से चंद्रकला को पहना दीजिए। श्रीमान, खड़े मत रहिए, आपकी चंद्रकला आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जाइए। Thank you.
बसंत भट्ट। इतना आकर्षक, इतना मनमोहक व्यक्तित्व। ये आपने क्या कर लिया? तुम्हारे पुष्प जैसे पांव आहत हो जाए और पुंडलिक देखता रहे, ये कैसे संभव है? किंतु आप भी तो आहत हो गए ना, दिखाइए, दिखाइए ना। पहली बार यहाँ आए और आते ही स्वयं को आहत कर लिया। लाइए। सौंदर्य के आगे इसकी सुंदरता का कोई अर्थ नहीं। इस तुच्छ हार को धारण कर इसके मान को और बढ़ा दो चंद्रकला। आप स्वयं क्यों नहीं पहना देते मुझे? ये उपहार नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। फिर तो ये सदैव मेरे साथ रहेगा, इसे कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। क्या हुआ, रुक क्यों गए? फूलों की सुगंध सखियां मेरी चांदनी सहेली है। चंद्रकला का असली सज्जन कौन है, सचमुच बहुत बड़ी पहेली है। तुम्हें निहारे बिना हम रह नहीं सकते, कोई और ऐब है तो बताओ। इस तपती दृष्टि से मत देखो, पिघल रही है चंद्रकला। भाव पुंडलिक के मन में तो एक पल का भी संदेह नहीं आया, वो बस यहां सभी को अनदेखा कर चले गए। विश्वास नहीं होता, पुंडलिक हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। ताऊ जी पहले से ही व्याकुल है, इन्हें आघात हुआ। भाव पुंडलिक आए थे और इन्हें इस अवस्था में देखकर भी चले गए, तो ये और आहत होंगे। हमारा पुत्र होकर भी वो हमारे साथ पराए की तरह व्यवहार कर रहा है, और दूसरी ओर तुम हो पुत्र। किंतु ताऊ जी, मैं पराया कहाँ हूँ, मैं भी तो आपके पुत्र के ही समान हूँ ना। चंद्रकला इसे पराया लगने नहीं देगी। पुंडलिक के मन में अपना होने का भ्रम उत्पन्न करके रहेगी, किंतु मेरे द्वारा उसके धन को हड़पना सत्य होगा। करने सही कहा था, धनी तो है ये, इसे निर्धन बनाने का कार्य तुम्हारा है केत की बाई।
गोपाला के दीपक की लौ बुझ गई तो हमारी आस भी बुझ जाएगी। नहीं गोपाला, हमारे सौभाग्य के दीपक को मत बुझने दीजिए। चिंता मत कीजिए देवी, अंधेरे के चरम के बाद ही उजाला फैलता है। जहां मनुष्य के प्रयास विफल हो जाते हैं वहां प्रभु ही राह दिखाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ताऊ जी उत्साह और उमंग से पूजा कर रहे हैं, ताई जी पकवान बना रही हैं, क्या कुछ बदल गया है? सुबह ऐसी हो, आंखें खोलूं तो तुम सामने हो और तुम्हें बस यूं ही निहारता रहूं। तुम्हारे इस अनुपम सौंदर्य में डूब जाऊं मेरी चंद्रकला। आओ दिवाकर, पूजा में मेरा साथ दो। कल रात ही मुझे समझ में आया कि हम व्यर्थ चिंता में घुले जा रहे थे। जब गोपाला हैं तो हमें किस बात की चिंता? वही हमारे पुत्र को स्वयं लौटा लाएंगे। इसीलिए तो आज उसके सभी प्रिय पकवान बना रही हूँ मैं। पूरण पोड़ी, गुड़ का शिरा, नारियल वड़ी और कढ़ी चावल। देखना पुत्र, जैसे ही वो आएगा अपने माँ के हाथों का भोजन खाकर सब कुछ भूल जाएगा। मां, तूने अभी तक विदा नहीं किया इसे? मेरे हृदय की इच्छा होगी तब चला जाएगा। जाना तो होगा इसे, तभी तो अधिक धन। मां मैंने कहा ना, मैं जब जाने दूंगी तभी जाएगा ये। वो तभी लौटेगा जब गोपाला की इच्छा होगी। इसलिए मैं निरंतर प्रार्थना करूंगा कि प्रभु गोपाला हम पर शीघ्र कृपा करें और हमारे पुत्र को लौटा लाएं। देवी केतकी बाई ने स्वादिष्ट भोजन भेजा है आपके इन विशेष अतिथि के लिए। जाओ, मैं खिला दूंगी। जय
जैसे ही वो आएगा अपने सभी प्रिय पकवान देखकर प्रसन्न हो जाएगा। आज उसे अपने हाथों से भोजन कराऊंगी मैं। पुंडलिक जी, लीजिए भोजन कीजिए। पुंडलिक जी नहीं, केवल पुंडलिक का ही है। भाऊ को इनकी कोई चिंता नहीं और ये है कि उनके लिए अपना सर्वस्व निछावर कर रहे हैं। भीतर से कितनी दुखी हैं ताई जी, ये तो उनके हाथों से ही ज्ञात हो गया। किंतु ये भी ज्ञात है मुझे, भाऊ के मन में एक बार भी इनका विचार नहीं आया होगा। प्रभु गोविंद, अब से मैं आपका ध्यान रखूंगा। हे गोपाला, हे नंदलाला, अब आपसे क्या छुपा है प्रभु? आप देख रहे हैं ना कैसे ये दोनों तन्मयता से आपकी भक्ति कर रहे हैं, जिससे इनके पुत्र भाऊ पुंडलिक बुराई को छोड़कर फिर से अच्छाई को अपना ले। और एक और भाऊ पुंडलिक है जिन्होंने इन पर ध्यान तक नहीं दिया। स्वादिष्ट है ना, माँ ने अपने हाथों से बनाया है। पर इसका स्वाद तो तुम्हारे हाथों के स्पर्श से बड़ा है। प्रभु, ताऊ जी के साथ रहकर एक सत्य तो मैं समझ गया हूं कि आप अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। कृपा कीजिए प्रभु अपने भक्त पुंडलिक पर, उन्हें उचित मार्ग दिखाकर सन्मार्ग पर ले आइए, जिससे वो अपने वृद्ध माता पिता के पास वापस लौट आए। प्रभु, मानती हूं आपका भक्त पुंडलिक आपको भूल बैठा है, किंतु वही दूसरी ओर आपका दूसरा भक्त आपके उसी भक्त के लिए आपकी पूजा अर्चना कर रहा है, किंतु आप ये प्रार्थना क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? क्या हुआ? रुक जाओ, कहीं मत जाओ। चिंता हो गई क्या कि मैं अभी चली गई तो कहीं सदा के लिए ना चली जाऊं? ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी भी तो हृदय की इच्छा है कि आप मुझ में सदैव खोए रहें, कहीं ना जाएं। और इसमें मेरी सहायता करेगी मदिरा। लाती हूं। मेरे गोविंदा,
सौंदर्य का अनुभव करना है मुझे गोविंद, सौंदर्य को निहारना है, वो करने दीजिए मुझे गोविंद। हे प्रभु, हे गोपाला, सुनिए मेरी गुहार, उचित मार्ग पर ले आइए भाव पुंडलिक को। हमारा पुत्र भटक गया है, उसका मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, उसे धर्म के भक्ति के मार्ग पर लाने की कृपा कीजिए। एक माँ की गुहार सुनिए प्रभु। प्रभु, प्रभु जैसे प्रत्यक्ष सामने हो। क्या हुआ, ऐसे विचलित क्यों हो गए आप? पहले कभी मदिरा पान नहीं किया क्या? नहीं, कैसे बताऊं इसे, जैसे स्वयं प्रभु को देखा हो मैंने। मदिरा भी बन जाए अमृत समान, जो चख ले मेरे हाथों से। कृपा कीजिए प्रभु, भाव पुंडलिक पर दया कीजिए। हे प्रभु गोपाला, आपके सिवाय और कोई नहीं जो उसे लौट आने के लिए प्रेरित कर सके। मुझे जाना होगा, जाना होगा मुझे। जा रहे हैं, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? मुझे जाना है मुझे, मेरे गोविंद मुझे बुला रहे हैं। इस प्रकार जाने का कारण तो बताइए। रुक जाइए ना, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। मुझे इस प्रकार निराश करके मत जाइए। मैं तुम्हें कैसे निराश कर सकता हूं, तुम्हारे साथ तो मुझे परम आनंद आता है। आपने अपनी उपस्थिति का आभास कराया उसे, उसे उचित मार्ग दिखाया, तब भी वो भ्रमित क्यों है प्रभु? मेरा कर्तव्य है उसे उचित दिशा दिखाना, किंतु उसका चुनाव करना भक्त का दायित्व। अभी वो स्वयं अपनी सहायता के लिए तैयार नहीं। उसके भीतर से बदलाव की इच्छा जब तक जागृत नहीं होगी, उसे दूसरों की प्रार्थना का भी लाभ नहीं होगा। दूसरे किसी के लिए प्रार्थना करें, उससे सहायता तो मिलती है, किंतु उन संकेतों को समझना, उसके लिए तो स्वयं के हृदय में भगवान की भक्ति की लौ जगानी होती है। भक्त भटक भी जाए तो भी भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते, वो तो सदा संकेत देते रहते हैं, किंतु कष्ट पूर्ण रूप से नहीं मिटते और उनके अनुसार चलना भक्त का दायित्व है। इसका एक उदाहरण तो मैं भी हूं ना प्रभु, लगता है महादेव मुझे लेकर निराश ही होंगे, इसलिए उन्होंने आपको भेजा। मुझे भक्त मार्ग भटक सकता है, भगवान नहीं, वो तो सदैव अपने भक्तों की भक्ति का आनंद उठाने के लिए उनके साथ रहते हैं। और भक्ति की ये अनोखी परीक्षा अब भक्त पुंडलिक को ही नहीं, उसके समस्त परिवार को देनी थी।
ऐसे कठिन समय में भी जो भक्त भक्ति नहीं त्यागते, अपनी आस्था और अपने विश्वास पर अडिग रहते हैं, उन्हीं की नैया पार होती है। लगता है भाऊ लौट आए। यहाँ तो कोई नहीं है, बस ताऊ जी और ताई जी हैं, भाऊ की प्रतीक्षा में। चिंता मत कीजिए सत्यवती, हमारा पुत्र लौट आएगा। व्यर्थ है आपकी प्रतीक्षा। जिसे आप दोनों की कोई चिंता ही नहीं, उसके लौटने की आशा क्यों कर रहे हैं आप दोनों? आप कैसे, आप दोनों का स्वास्थ्य कैसा है? यह सब भूल कर जो भटका हुआ है, जिसे आप दोनों का कोई विचार नहीं, उसके लिए दृष्टि गड़ाए बैठे रहने का कष्ट क्यों सह रहे हैं आप दोनों? विचार तो उन्हें करना चाहिए, आना तो उन्हें चाहिए। इस आयु में तो आप दोनों को नियमित दिनचर्या के अनुसार एक समय पर भोजन मिलना चाहिए, ये सब उन्हें सोचना चाहिए, और यहां सारा भोजन व्यर्थ हो रहा है। उनके कारण आप दोनों भी भोजन नहीं कर रहे हैं। उनकी प्रतीक्षा का क्या लाभ, जो कल यहां आए भी थे पर आप दोनों को अनदेखा कर धन लेकर चले गए। और यहां आप हैं जो उनकी बाट जो हो रहे हैं, यह आपके पुत्र प्रेम की कैसी पराकाष्ठा है। मैं सत्य कह रहा हूं, वो कल यहां आए थे किंतु आपसे भेंट करने तक की नहीं सोची उन्हें। मेरा पुत्र यहां आया और मुझे अस्वस्थ देखकर भी नहीं रुका, किसी का इतना सम्मान हो गया उस पर। अब क्या करूं मैं पुंडलिक को और मोहित करने के लिए, जिससे ये कभी जाने का विचार ही ना करे। व्यक्ति के विचार में यदि विष घुल जाए तो उसके कर्म भी विषैले हो जाते हैं, इसलिए विचार शुद्ध हों ये आवश्यक है।